तो हाय दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं एक नए व्लॉग के साथ। आप लोगों ने बहुत मैसेज किया, मतलब बहुत, कि पवन भाई जो धीरज भाई शमशान घाट में गए थे उनको जो आवाजें आ रही थी वो आप लोग जाइए रिवील करिए, देखिए क्या है। और मैंने भी आप लोगों से कहा था कि मैं जरूर जाऊंगा वहां पे। अब सीन क्या है मालूम है क्या, मेरे एक सब्सक्राइबर है बहुत मैसेज कर रहे थे यार बहुत। इसी तरह आप लोग भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, इवन यहाँ या वहां पे आपको कहीं ना कहीं दिखता होगा, जाइए फॉलो करिए। और ये जो है जो बीच में बैठे हैं भाई, आपका नाम क्या? राहुल। ये हमारे एक सब्सक्राइबर हैं और इन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत मैसेज किया कि भाई मैं तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, फील करना चाहता हूँ। तो मैं बोला यार ठीक है, अगर मैं जाऊंगा व्लॉग बनाने तो मैं आपको जरूर कॉल करूंगा और आपको साथ में लेके चलूंगा, ताकि आप भी एक्सपीरियंस फील करो क्या होता है कैसे होता है। तो राहुल भाई कैसे हो, मजे में हो कि नहीं? बहुत मैसेज किया, तो देखते हैं आज की राहुल भाई को कैसा फील होता है, चलते हैं। और आज हम लोग दिखाने वाले वो शमशान घाट, जिस शमशान घाट में धीरज भाई डरे थे, आवाजें आई थी, क्योंकि सीन कैसा है कि वो शमशान घाट बहुत दूर है और जंगलों के बीच में है। आदर्श भाई तो अभी भी थोड़े डरे हुए लग रहे हो क्या आदर्श भाई? और पवन भाई ये वही है जहाँ पर मैं बहुत, मतलब होते ना फर्स्ट व्लॉग जहाँ मैं डरा था मेरी लाइफ में, मेरे भूल आवाज आ रहा था इनको, मेरे को बहुत ज्यादा नहीं, वीडियो देखना मैं व्लॉगिंग छु क्विट करने पे था। नहीं नहीं, चलना तो सबको है भाई, बिल्कुल नहीं ऐसा नहीं। देखो क्या है मालूम है, जो भी चीजें पता करेंगे ना क्या सीन है, या तो फिर शायद धीरज भाई का वहम होगा। वहम तो नहीं था, वो तीन बार मैं बहुत पहला व्लॉग था। देखते लेट्स सी अभी जाके सब लोग देखते क्या होता है क्या नहीं होता है। भाई राहुल भाई आप नए हो, आप अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना कि कैसा है क्या है, आपको डर लगा या नहीं लगा, जो भी रहेगा, और सारी चीजें बताना, ठीक है? तो अभी चलते हैं हम लोग, डायरेक्ट आप लोगों को मिलते हैं आगे। चलो पूरा व्लॉग एंड तक देखो, और हाँ ऐसे ही हम लोग के साथ बीच में बैठना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो, साथ में चलो व्लॉग बनाएंगे सारे व्लॉग। चलो तो अभी हम लोग वो रास्ते पे आ चुके हैं और आप लोग देख रहे हो यहाँ पे तीन फ्लैश लाइट। देखते अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि यहाँ पे तीन फ्लैश लाइट चालू है तभी आपको रोशनी देखने मिल रही है। अगर आप लोग देखना चाहते हो एक बार बंद कर दो फ्लैशलाइट, सब बंद कर दो ना भाई। ये देखो कुछ दिख रहा है, जल्दी करो, मतलब देखो कितना अंधेरा है यहाँ पे। और ये जो रास्ता है जिस रास्ते से हम लोग जाने वाले हैं, और ये सारी चीजें मैं आप लोग को दिखाता हूँ, क्योंकि आप लोग के कहने पर हम लोग यहाँ पे आए और कुत्ते भी भोंक रहे, आपको आवाज आती होगी। तो अभी चलते हैं और फ्रंट कैमरे से आप लोगों को दिखाते हैं कि कहाँ पे हम लोग जाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, और पूरा आप लोग ने जैसे बोला था सारा चीज हम लोग एक्सपीरियंस लेंगे। और नीचे ध्यान रखो थोड़ा सा, हाँ, और यहाँ के रास्ते भी बहुत खराब है क्योंकि ये जंगल का सीन है। तो अभी चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये रास्ता देख रहे हो आप लोग, ये पूरा जंगल है, जैसे आप लोगों को यहाँ पे मालूम पड़ता होगा। ये देखिए आप लोग, देखिए पूरा जंगल है यहाँ पे, देखो पूरा जंगल है भाई। ये क्या है? वही बोल रहा हूँ ना, कुछ ना कुछ है भाई, पूरा जंगल है। तो अभी ये रास्ते से हम लोग जा रहे हैं और यहाँ पे सांप का भी बहुत ज्यादा डर है। नहीं नहीं, उससे देखना यहाँ पे पूरे पॉट होल्स है, नहीं यहाँ पे भी है। आराम से। और धीरज भाई यही वो शमशान घाट है जहाँ पे मेरा पहला व्लॉग, जहाँ पे धीरज भाई घबरा गए थे पहली बार जब मैं डरा था, मेरा पहला व्लॉग था। आज बड़ी मुश्किल से पवन भाई लोग के साथ हिम्मत करके जाने की करो, बिकॉज मैं व्लॉग करना बंद कर दिया था। आप लोगों ने कई बार कहा कि हॉन्टेड व्लॉग नहीं आ रहे, तो एक मिनट में यहाँ से एक बार दिखा दूँ। देखो ये वो शमशान घाट है जहाँ पे आप लोग ने हमसे कहा था कि पवन भाई आप जाइए आप लोग, और मैंने ही आप लोग से कहा था कि हम लोग यहाँ पे जाके पूरा सब लोग एक्सपीरियंस लेंगे। और आज हमारे साथ सब्सक्राइबर भी है, इंस्टाग्राम पे इन्होंने मैसेज किया, इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो सब्सक्राइबर है ये खुद चाहते थे कि मैं भी आऊँ, एक्सपीरियंस करूँ, फील करूँ। तो कैसा लग रहा है, थोड़ा बहुत डर लग रहा है? हाँ। थोड़ा फील हो रहा है ना? हाँ। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, डरो मत, हम लोग सब साथ में। तो यहाँ पे अभी अच्छा शाहरुख भाई ने जैसे बताया कि ये साइड देखने के लिए चीर पड़ी हुई पुरानी दीवार, तो इतना तो धीरज भाई ने डिटेलिंग में नहीं दिखाया था, हिम्मत ही नहीं हुई। तो हम लोग डिटेलिंग में दिखाना चाहते हैं, कुछ कर रहे वो साइड दिखा दो एक बार। यहाँ पे भी देखो पूरी, मतलब ये कितना पुराना है। क्या बोल रहा हूँ कि अगर समझो ये तो ठीक है चलो यहाँ तक, लेकिन यहाँ से नीचे देखो पूरा टूटा हुआ है, बहुत पुराना है ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत पुराना है। तभी तो धीरज भाई को थोड़ा डर लगा था। देखो ना लाइट बंद और चालू क्यों है? हाँ ये एक प्रॉब्लम नजर आ रही है, लाइट, वो शायद लाइट का इशू होगा, लाइट फ्लक्चुएटेड है यहाँ पे, है ना? अच्छा धीरज भाई आपको कहाँ, कितना बड़ा चीज है यहाँ पे? ओ माय गॉड, मैं आपको बता रहा हूँ सब टूट, बहुत पुराना है ना रेस के लिए। और मैं जिस जगह डरा था, मैं आपको दूर से देख लो, वहाँ पर अभी भी मेरी हिम्मत नहीं हो रही, पवन भाई जाएंगे तो ही जाऊंगा। ये नहीं, सब साथ में हम लोग जाने वाले, लेकिन वहाँ पे भी जाएंगे, वहाँ पे भी जाएंगे। अच्छा वो क्या है, वो क्या है? वो वुड है, वुड, कटी हुई वुड। अच्छा अच्छा कटी हुई वुड है ना, हाँ। और धीरे 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 हम लोग सारी चीजें दिखाते हुए चलेंगे यहाँ से। अच्छा वहाँ पे अभी डॉगी भी है। अच्छा चमगादड़ गया ना अभी ऊपर से, चुप 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 चुप।
ये आवाज क्या है? आवाज सुनाई दे रहा है? आवाज आ रहा है भाई। चुप 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 भाई, आवाज चुप, एक मिनट देखते ना क्या का आवाज है। चुप चुप भाई प्लीज भाई, शांत हो गया देखो। चुप 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 चुप, हाँ 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 आवाजें आ रही है। ये रुक जाओ रुक जाओ, धीरज भाई धीरज भाई, आगे मत जाओ, आगे मत जाओ भाई, ये क्या है? मैं आगे नहीं जा रहा हूँ। हाँ रुक जाओ, सारी चीजें मैं एक मिनट, मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ, ज्यादा आगे मत जाओ धीरज भाई। तो सारी चीजें हम लोग आपको डिटेलिंग में दिखाना चाहते हैं, और ये जो आवाज आ रही है यहाँ पे, मुझे लगता है यहाँ पे कुछ कुछ भरते या कुछ गिरता है शायद, इसके उसकी आवाज आ रही है, मे बी शायद, बिकॉज़ वो रेत का, हाँ 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 दिख रहा है मुझे पीछे का, इधर के देखो आवाज आ रही है, हाँ ये शायद वो, वो देखो आवाज आ रही है, देखो देखो, मतलब वो गाड़ी चल रही है उसकी आवाज है, देखो उधर से देखो दिख रही है आप लोगों को गाड़ी। मैं गाड़ी की आवाज से नहीं डर रहा था, मेरे को नहीं नहीं नहीं, तुम ह्यूमन सेंस हुआ था। तो इस बात है भाई, हाँ, कि जो टाइम पे समझो ये शमशान चालू था, हाँ, कि वो टाइम पे समझो कोई शमशान के अंदर ऐसी बात नहीं रख सकते कि शमशान घाट में जो कोई चीज जलाते रहे, हाँ, इंसान को जलाते, तो वो चीज में कि ये जो बैठने की जगह है, हाँ, ये क्यों है यहाँ पे, क्यों शमशान घाट बंद है इसके लिए यहाँ पे लगाए हुए? हाँ मैं भी मतलब, हाँ मतलब शाहरुख भाई के कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे ही जलाया जाता है और यहाँ पे बैठने की जगह यहाँ पे, वैसे बहुत दिनों से मुझे लगता है जलाया भी नहीं गया है कुछ चीजें, लेकिन लकड़ियाँ यहाँ पे अभी भी पड़ी है, कुछ हल्की है ना, मतलब चालू है क्या? देख सकता हूँ टाइप है कुछ टनल टाइप है, क्योंकि चलो अभी तो फाइनल क्यों है कि क्योंकि ये टाइम पे जो कुछ भी राख वगैरह रहती है वो धो के, नहीं मतलब मतलब यहां कर जाए। और धीरज भाई मेरे को एक बात बताइए, आपको कहां पे आवाज आई थी? लेकिन वो जगह थी, ये मेन स्पॉट था, अच्छा अच्छा, अपने वीडियो में चेक कर सके। और दूसरी जगह कौन, ये भाई थी कहां पे, ये जो जगह थी ना यहां, ये जगह एक बार दो बार तीन बार कंफर्म, मतलब मैंने, मेरे को लगा सेंस हो रहा है, मतलब देखो अभी क्योंकि जनरली क्या होता है कि फर्स्ट जब मैं हुआ था, जनरली हम लोग, मैं क्या करता हूं कि मेडिटेटिव मोड में चला जाता हूं, मतलब अपनी ब्रीथ पे ध्यान देता हूं, जैसे कि कुछ भी हुआ सेंस करके कि वो हार्ट थी या सच मुझ था। सेकंड टाइम तो एक काम करते ना, एक काम करते हम लोग कुछ सेकंड के लिए हम लोग शांत रहते हैं, हम लोग कुछ सेकंड के लिए शांत रहते हैं और देखते हैं कि हमको क्या चीजें फील होती है, ठीक है? तो अभी इस समय हम लोग शांत है और यहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर भी यहाँ पे खड़े हैं, तो आपको भी अगर कुछ फील होता है या कोई भी आदर्श खड़ा है, शाहरुख भाई खड़े, कोई भी फील होता है तो बताना। शांत, एकदम शांत, एकदम शांत। तो नहीं, ओनली फ्रॉग्स, मैं फ्रॉग की आवाजें सुन सकता हूँ बस। हाँ हाँ भाई, मैं क्या हो रहा हूँ, अगर आप ये देखोगे, आप यहाँ पे आओ, बोलो ना भाई, ठीक है, आप यहाँ पे आ गए, इधर इंसान को जलाया जाता है, क्योंकि डिस ये क्या जगह है, यहाँ पे बैठ के अगर मैं आपको बताता हूँ, कोई संबंध नहीं हो सकता भाई, हीटिंग हीट होता है। मैं आपको बताता हूँ, सुनो, ये जितने पब्लिक देख रही है उनको एक बात बताता हूँ, जब भी कोई बॉडी आती है तो यहाँ पर एक जगह पर हम लोग रखते हैं उसको, यहाँ पर एक टेबल, हाँ तो मैं भी शायद वहाँ पे टेबल नहीं होगा, तो यहाँ पर टेबल नहीं है, सुनो, हाँ, ये दो बेंचेस क्यों है यहाँ पर, बॉडी को रखते होंगे, ये मेरा अजम्पशन है, नहीं मुझे भी वही लग रहा है शायद, मैं बट ये भी होता है, जब भी हमारे यहाँ पर, जब जैसे लकड़ियाँ यहाँ से आपको दिख रही है थोड़ी बहुत, यहाँ है यहाँ पर बड़ी लकड़ियाँ हैं, तो लकड़ियों के हमारे यहाँ पर लाइन लगाते लोग, ये फैक्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ, सब वहाँ से लकड़ियाँ आते हैं, तो हम जितने लोग आते हैं जलाने के लिए, तो हम एक दूसरे को लकड़ियाँ पास करते हैं, लकड़ियाँ पास करके कुछ लोग जो थक जाते हैं उनमें से वो यहाँ बैठते हैं। तो अभी हमने आप लोगों को सारी चीजें दिखा दी, तो धीरज भाई जो डर रहे थे, क्योंकि हम लोग ने कहा था कि धीरज भाई आप अकेले जाइए, उसके बाद जब धीरज भाई को थोड़ा डर लगा तो हमने सबने प्लान किया कि एक साथ जाएंगे। सीन क्या है कि जो हमारे सब्सक्राइबर है ये भी हमको बोल रहे थे कि मैं भी जाऊंगा, तो मैं बोला कि चलो फिर जब आपको एक्सपीरियंस हम लोग के साथ लेना है तो चलो। तो गाड़ी में बैठ के सब्सक्राइबर से पूछते हैं कि उनको कैसा लगा, क्या फील हुआ, और अभी हम लोग यहाँ पे जब खड़े हैं तो हम लोग को तो सेंस नहीं हो रहा है, लेकिन जो आवाज़ें आ रही थी आप लोगों ने सुनी होगी, वो आवाज़ें थी रेती, यहाँ पे पीछे नदी है तो वहाँ पे वो रेती का आवाज़ था। लेकिन हाँ, लेकिन एक चीज़ मैंने ना धीरज भाई को चैलेंज किया और एक बार, क्योंकि इस बार धीरज भाई बहुत कॉन्फिडेंस में
नजर आ रहे हैं हम लोग के साथ आके। लेकिन मैं चैलेंज करता हूँ कि धीरज भाई आप नेक्स्ट टाइम जो अकेले आओगे उसके बाद देखते कि धीरज भाई का यही कॉन्फिडेंस बरोबर रहता है कि डर गए कि नहीं, और देखते जो भी होगा फील। तो हम लोग वहाँ जंगल से निकल के यहाँ पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग तो देखो यार हम लोग जाते रहते, धीरज भाई ने फील लिया, शाहरुख भाई ने भी, हमने सबने। तो आज हम लोग जो हमारे सब्सक्राइबर है उनसे पूछेंगे कि आपको कैसा लगा। बहुत डर लगा पहली बार तो। अच्छा मैं, आप जो कमेंट करते हो कि जैसे दो तीन कमेंट मैंने आपके देखे थे कि कुछ नहीं है मैं तो जा सकता हूँ, तो अभी जब आप जाके आए हो तो आपका फील कैसा है? फील मतलब मुझे लगा कि ऐसा कुछ होता नहीं है, और अभी लगा तो मुझे बहुत हैवी लगा और डर लगने लगा। डर लगने लगा, मुझे जाना नहीं चाहिए था। सुनो ना मैं क्या हो रहा हूँ, मतलब जो आप लोग कमेंट आते है ठीक है, क्या कोई भी जाएगा ऐसा वैसा, हाँ, ये नहीं 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 वो जो भी, चलो कोई बात नहीं, वो तो पब्लिक है वो कमेंट करेंगे। सब नहीं जा सकते वो जगह पे वैसे, क्योंकि लोगों को इतना डर लगता है कि देखने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन जाने तक इंसान की हवा टाइट हो जाती है। अच्छा जब जब ये मालूम पड़ा ना, अभी वो जंगल से गए ना अपने साथ, चल के आए और चल के गए तो फील हुआ रहेगा उनको। और बाकी और क्या एक्सपीरियंस था आपका भाई? और एक्सपीरियंस मुझे सब अंदर से डर लगने लगा कि जब हम सामने से देखते तो कुछ अलग फील होता है, पर जब खुद जाते जब सामने वाले की हवा कैसी टाइट होती है और जो क्लाइमेट देखते हैं। और कभी अगर आगे फ्यूचर में आपको हम लोग कहीं लेके जाएंगे तो आप आना पसंद करोगे? जब जब बुलाएंगे तब आ जाएंगे। पक्का? चलो ठीक है, तो इसी तरह आप लोग भी आ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम की आईडी मिल जाएगी, मुझे मैसेजेस करिए अगर कोई भी आपके लायक काम होगा। लेकिन हाँ प्लीज अपने घर से पूरा परमिशन लेके आना, ऐसा नहीं है ये भाई ने सारी परमिशन ली थी, और इवन ये थोड़े बड़े तो इसके लिए हमने बोला कि ठीक है आप आ सकते। लाइक करना, सब्सक्राइब करना। क्या नाम है आदर्श? जिसका नाम है व्लॉग डीजे पवन सिंह। Till then, watch our videos. Bye bye. ये भाई को छोड़ देते हैं घर पे। हाँ बिल्कुल छोड़।